नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दिल्ली में कोरोना के मामले जैसे ही कम हुए, केजरीवाल ने फिर लापरवाही दिखानी शुरू कर दी है और दिल्ली को अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली IIT की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ कहा गया है कि खतरा टला नहीं बल्कि बढ़ने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। दिल्ली में भी मामलों में तेजी से कमी आई है, लेकिन जैसे ही मामले कम हुए, केजरीवाल ने लापरवाहियां शुरू कर दी, दिल्ली को अनलॉक करने का ऐलान कर दिया और कोरोना को फिर से दावत देने का। लेकिन इस बीच दिल्ली IIT की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट में खतरा टलने नहीं बल्कि बढ़ने की चेतावनी दी गई है। IIT दिल्ली की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना संक्रमण के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। IIT दिल्ली की रिपोर्ट में तीन स्थितियों का जिक्र किया गया है। पहली स्थिति में कोरोना की दूसरी लहर की जैसी परिस्थितियों को रहने पर रोगियों की संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या, ऑक्सीजन की जरूरत का अनुमान किया गया है। दूसरी स्थिति नए मामलों के 30% बढ़ने के बाद की आवश्यकताओं पर है। तीसरी स्थिति रोगियों की संख्या में 60% की बढ़ोतरी होने पर है। इसी स्थिति में रोजाना 45,000 से अधिक मामले आने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि कोरोना की तीसरी लहर दिल्ली वालों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट से उबरने के लिए रोजाना 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जमशेद सिंह की पीठ ने 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार से IIT दिल्ली की तरफ से की गई सिफारिशों के आधार पर कौन से कदम उठाए जा सकते हैं को लेकर टाइमलाइन के साथ डिटेल मांगी है। रिपोर्ट में राजधानी में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार से 20 से 100 टन की क्षमता वाले 20-25 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की बात कही गई है। इससे महामारी के दौरान ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकर के साइज को लेकर सजग रहना होगा। ये ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड के साथ उपयुक्त हो सके। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली IIT ने चेतावनी दी है कि अगर लापरवाहियां बरती गई तो एक दिन में दिल्ली में 45,000 केसेस सामने आएंगे। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। IIT के रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की कमी पूरे होने करने की बात कही गई है, यानी कि तीसरी लहर दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।